नाजिन ग्रामी आज सत्रह रमज़ान मुबारक है मुदसर भाई बख्शने पर जब उम्मत के गुनाहों को आता है तो तहफे में गुनागारों को रमज़ान देता देखे। है, है। नाजिन ग्रामी मनफरत का अख्ताम की जानब रवान दवा है तो बर महरबानी इसतफ़ार की कसरत कीजिए और अल्लाह तला से अपने गुनाहों की बख्शिश फरमाइए नाजिन ग्रामी आज का प्रोग्राम मेरा शायद ना आने का था पर मैं अपनी मसूफियात को छोड़कर आज आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ तो मुदसर भाई हमारे मेहमान आने तशरीफ ला चुके हैं आज की के तमाम मेहमान हजरात आ चुके हैं और प्रोग्राम का आगाज हो होने वाला है मैं तारफ़ करवा देता हूँ आज की राहत रमजान के इफ्तार ट्रांसमिशन में हमारे मेहमान बने मेरे दाई जानब हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद अयूब सुल्तानी जिनका ताल्लुक कोटली आजाद कश्मीर से आज हमारी खास कॉल पर आज के प्रोग्राम के मेहमान बने असल कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी और इनके साथ तशीफ फरमा है पुलबुल बाग़ मदीना बहुत सी महाफिल की रौनक होते हैं अक्सर दीगर महाफिल नात में इनसे मुलाकात होती रहती है बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक यकीन अल्लाह पाक ने इनको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा सैद हारिस अहमद जिनका तल्ल रहा पिंडी से, से असल कैसे बारे हैं आप ठीक ठाक हैं बारे आपकी आहमद का ही बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया और इनके साथ तशीफ फरमा है मोहम्मद वक़ार अतारी जो कि इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं बहुत अच्छी आवाज़ अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा असल कैसे हैं आप ठीक ठाक खैरियत से आपकी आमद का ही बहुत शुक्रिया जी जनाब मेरे बाए जानी मौजूद हैं जनाब हाफिज़ नसीर अहमद साहब जनाब कोटली आजाद कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं जनाब आपको खुश आमदीद कहते हैं उनके साथ बराजमान हैं जनाब इस्लाम जमीर कादरी साहब जिनाब गुजर खान से तशरीफ़ लाए हैं सर आपको भी खुश आमदीद कहते हैं नाजीन ग्रामी पी एन एन के खूस नशियात राहत रमज़ान का बाकायदा आगाज़ हो चुका है मुदसर भाई तिलाफक तिलावत की तौफीक दे दे इलाही गुनाहों से हो दूर दिल की स्याही तो तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा जनाब हाफिज नसीर अहमद साहब को कि वो तिलावत कुरान पाक पेश फरमाएं اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان الله. سبحان الله. وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان الله <سؤال> هو الذي يصلي عليكم وملائكة سبحان الله <سؤال> <سؤال> هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات سبحان الله سبحان الله ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. ما شاء الله ما شاء الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. ما شاء الله. وأعد لهم أجرا. खूबसूरत अंदाज में कार सा कुरान पा की तलाब फरमा रहे थे फरमाने मुस्तफ़ा सल्हल के आ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है बल्कि अलिफ एक लाम एक और मीम एक हर्फ है और जो अलिफ मतलब जो एक हरफ पड़ेगा उसको दस नकियाँ मिलेंगी और एक और मुकाम पर छात्र फरमाया आप में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया क्योंकि नाजरीन आज सत्रह रमजान मुबारक है और सत्रह आप जानते हैं कि सत्रह रमजान मुबारक में सत्रह रमज़ान मुबारक में जंग बदर का वाक़ हुआ था तो मैं हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद ऐब सुल्तानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि सत्रह रमज़ान मुबारक में जो जंग बदर का वाक्य हुआ था उस टाइम सहाबा कराम का जज्बा और एहसार क्या था और इश्क था जो और जिस तरह उन्होंने जंग बदर में कुर्बानियाँ दी उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि हमारे ऑडियंस में ये पैगाम पे जा सके। सकेमीन वलआबीन वसलम करीम अम्माबाद फ़ौजीम बसमीम वसमस वाला वाली कबिकया सैदिया नूरल सबसे पहले मैं पी एन एन चैनल की तरफ से आप तमाम अहबाब जिन्होंने मुझे, मुझे, मुझे की है यहाँ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू के लिए मुझे कुछ अर्ज़ करने का मौका दिया आपने जैसे अर्शासमाया है चंग बदर के हवाले से तो जंग बदर जो रनुमा हुई है इस हवाले से आप देखें कि कुफार की नबीसात से दुश्मनी फिर आपका मक्का से मदीना की जाना हिजरत फरमाना और उसके बाद फिर जो सबसे पहले उनका तजारती काफिला मुल्क शाम गया और उसकी लीड करने वाला था अबू सुफिया तो उस वक्त अरब के जितने भी बिलखसूस मक्का के बड़े ताजर थे या मक्के के रहने वाले तमामी अहबाब का उसमें हिस्सा था इन्वेस्ट थी कि एक तो सूदी कारोबार था उनका और दूसरा ये था कि उनके जहन का जो पसम मंदर था वो ये था कि हम मुसलमानों के साथ जंग करेंगे तो ये जो उनका काफ़िला वहाँ गया था तो उसकी गर्द उगात ये थी कि वहाँ से जाकर असला लेंगे और फिर मुसलमानों के साथ जंग करेंगे जब नबी आस्ात साम को इसके बारे में पता चला कि उनके नापाक अजाइम ये हैं तो फिर नबी अस्ातम ने अपने सहाबा के के साथ मशवा किया कि अब क्या किया जाए इस काफले को रोका जाए या क्या किया जाए तो शूरा इंफाल में भी इसका पूरा तस्करा डिटेल के साथ आपको मिलेगा कि वहाँ फिर नबीसात ने, ने जब मुसलमानों से मशवरा किया कि हम इस मामले में क्या करें तो वहाँ बात यह तयिक काफ़ी अहबाब ने यह मशवरा दिया कि जो उनका तजारत वाला काफिला है हम उस परमला करेंगे तो फिर कुरान ने इसे आगे वाजिया किया कि तुम चाहते हो जो शवन शवकत वाला है जहाँ से तुम्हें माल मिलेगा उस पर हम हमला हूँ तो इस तमाम सूरत हाल के बावजूद फिर नबी सात वहाँ से निकले तो कुफार को अबू सफियान बड़ा तेज़ और चलाक आदमी अच्छा थे अच्छा। तो उनने क्या किया कि सबसे पहले एक अपना एलची भेज दिया मक्का में ताकि वहाँ जाकर वो बता दें कि मुसलमान हम पे हमला करने वाले हैं और वो हमारे काफ़िले को माल को लूट लेंगे तो जो उनका कासद जाता है और कासद भी बड़ा चलाक था तो उस वक्त उस कतरे का कार्य ये था कि वहां जब वो पहुंचा तो उसने क्या किया कि सबसे पहले अपनी ऊँटनी को कानों से भी और उसके नाक को भी चीर दिया अपने कपड़े फाड़ दिए और उसने ववेला कर दिया कि मुसलमानों ने हमला कर दिया है उन्होंने हमारे काफ़िले को लूट लिया है अब उसका जब ये शोर बरपा हुआ मक्का में तो तमाम कुफार बड़े गुस्से में बिफरा गए थे वो कि हम पे ये हमला हो रहा है और हमने उनका मुकाबला करना है तो फिर यह हुआ कि वो इस हमले की तैयारी के लिए फिर पूरे उन्होंने मक्का को जमा कर दिया और जो बड़े बड़े काफरों के सरदार अबू जाल उतबा शेबा ये तमाम उसमें निकले और उन्होंने लोगों को तैयार किया अब यह हुआ कि जब उन्होंने तीन दिन की जदोजहद के बाद अपने तमाम लोगों को तैयार किया और एक हज़ार उनके पास घोड़ों की तादाद ज़्यादा ऊँट भी ज़्यादा तलवारें नेज़े तमाम ज़्यादा होने के बावजूद जब वो निकले और रास्ते में ही वो काफिला जो अबू सुफियान वाला था वो महफूज गया तो उन्होंने पैगाम भेजा कि आप वापस आ जाओ जरूरत नहीं है तो वहां भी उन्होंने कहा कि आप वापस चलते हैं तो उस सूरत हाल में भी फिर अबू जाल और बाकी जो रुतबा और, और शिबा थे उन्होंने कहा नहीं जी वापस नहीं जाएंगे अब हम आ चुके हैं मुसलमानों को मारेंगे और उन पर हमला हो जाएगा तो उनकी तादाद भी कम है उनकी ताकत कम है हम उनको कुचल देंगे मगर अल्लाह ताला को जो मजदूर है मंजूर होता है वो तो वही होता है और अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है वही होता है और एक तदबीर उनकी होती है एक रब की होती है और रब की तदबीर ऐसी होती है कि उसके बराबर किसी की तदबीर नहीं होती तो फिर वो आए मैदान बदर में तो वहाँ पर नबी सात पहले आप अपने सहाबा को लेकर जाते हैं और जाने से पहले भी आपने सहाबा से जब मशवरा किया तो इसमें नबी सात उसम के सहाबा का जज्बा और आपकी कुर्बानी देखें कि वहाँ भी हज़र मकदार थे आ, हजरत साहद थे इनसे जब मशवरा किया तो इन्होंने बिला जिजक ऐलान किया कि आका हम तुम्हें मूसा की तरह नहीं है कि जब मूसा ने उन्हें कहा था कि जंग के लिए चलेंगे तो उन्होंने कहा था जी आप जाएं आपका रब जाए हम तो यहाँ बैठे इंतजार कर ला ला रहे हैं ला ला तो आपने फरमाया कि आका आप चले हम आपके साथ हैं और इन आप देखेंगे और आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी जब उनके साथ जहाद करेंगे तो गोया में अपनी जान अप, अपनी तरफ से ये जुमला कहूंगा कि जैसे दो में हम कहते ना कि यार मुकाबला करूंगा तेरे में जाएगी तो आका परेशान होने की नहीं है। जब हम लड़ेंगे आप देखेंगे तो देखेंगे आपके कलेजे में ठंड पड़ जाएगी ल्ला, ल्ला। और फिर ऐसा ही हुआ अब वहां जब जाते हैं साहबा नबी अत ने जो ऊपर वाली जगह थी वहां आपने कब्जा किया फिर को एक कोमा था और बाकी कौमों को जायल कर दिया ये भी एक जंग की तदवीर होती है कि मुहालफ जो है उसकी ताकत को तोड़ा जाए फिर ये था कि ये जो जगह थी ये कुछ रेतली जमीन थी और जो कुफार के पास थी वो सख्त जमीन थी अब सख्त पे चलना घोड़े दौड़ाना ये आसान होता है और जो नरम जमीन होती है इस पर मुश्किल होता है तो मुसलमानों के दिलों में यह था कि अब जंग में हम करेंगे क्या तो फिर अल्लाह तला की तरफ से रात को बारिश होती है और बारिश की वजह से वो रेतली जमीन जो है वो सख्त हो गई और उनकी जो सख्त जमीन थी वहां किचिड़ बना उनके लिए चलना मुश्किल था और फिर जब साहबा मैदान में गए हैं और उस वक्त भी जो अरब की अब तमाम जंगों को देख लें या इससे कबुल भी ना तो वो सब बंदी नहीं करते थे उनकी जंग जो होती थी वो इसी तरह एक भीड़ होती थी नबी सा तो शाम बैठे हुए हैं और आपने सबसे पहले साहबा की एक सफ बंदी की सबसे आगे जो जिनके पास तलवारें हैं हैं उनको आगे किया फिर उसके पीछे साहबा इस तरह तरतीब एक लगाई और सफों की तरह फिर नबी अतलाम ने रिशाद कि जब तक मैं ना कहूं Allah. आपने आग नहीं जाना और उस वक्त ये होता था कि जंग के दौरान एक बंदा आगे बढ़ता था और वो कहता था कोई है मुझसे मुकाबला करने वाला Allah, 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 Allah. तो जब वहां उतम शेबा के बेटे निकलते हैं बाहर वो अपने आप को बड़ा जंगी जंगजू कहते हैं और कहते हैं कि हमारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है तो नबी अलीलाम की जानब से अनसार निकलते हैं और जब इंसार निकले तो उन्होंने ये एक जुमला किया और ये उनकी देखे ना यहां से उनकी जनीत का पता चलता है कि वो कितने आ रही थी उन्होंने कहा कि हम तो अरब हैं हम जंगजू हैं हमारा मुकाबला को नहीं कर सकता तो उन्होंने कहा कि इन इंसार को कहां लेकर आप आ गए किसी मक्के वाले को भेजें कुरैशी को भेजें तो फिर नबी के जान सार जाते हैं हजरत हमजा जाते हैं सईदी जाते हैं और जब आपने उनका मुकाबला किया उन्हें नेस्त नबूद कर दिया बस जहनम किया और ये भी एक होता है कि जब पहली बार हमला किया जाता है तो उनको अगर आप कुचल देते हैं तो एक दुश्मन पर आपका एक रोग दबदबा कायम हो जाता है तो ये इसबाब थे जंग के और फिर यहाँ से जंग शुरू होती है माशा माशा बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब जंग बदर और सहाबक राम के जोश व ख़रोश पे मुसलमानों के साथ पे रोशनी डाल रहे थे थैंक यू सर नाजन ग्राम चलते अपने पहले ख़ान की तरफ जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लाम जमीर कादरी साहब जनाब से तशरीफ़ लाए हैं तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब से नात रसूल मकबूल पेशीमिल सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं हूँ पी एन एन चैनल का जब मुझे आका की खूबसूरत दिन में आका की सनाहानी करने के लिए मदू किया दबा है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला एन एन चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करने और इसमें तरक्की करने की तोहफी के फरमाए बहुत ही प्यारा कलाम क़लाम हाकम के चंदार आपकी नजर करूँगा आश आशिकी आश आशिकी का मजा आ गया मुस्तफ़ा से लगी का मजा आ गया आश आशिकी का मजा आ गया मुस्तफा से लगे का मजा गया मुस्तफा से लगे का मजा गया और बोल जिब्रील तलवों को यूं चूम कर बोले जिब्रील तलवों को यूं चूम कर आज तो नौकरी का मजा गया आज तो नौकरी का मजा गया मुस्तफा से लगी का मजा आ गया आश आशिकी का मजा आ गया मुस्तफा से लगी का मजा गया ना शुद्ते ना शुद्ते। और जो ही निकला रुहे बदू जुल्फ से जो ही निकला रूखे बदू जुल्फ से आज तो चांदनी का मजा गया आज तो चांदनी का मजा गया मुस्तफ़ा से लगी का मजा गया आशिकों को की का मजा गया मुस्तफ़ा से लगी का मजा गया मुस्तफ़ा से लगी का मजा गया और मैं भी था फिर फरिश्ते बिहाम वहा मैं भी था फिर फरिश्ते भी हा बाहुदा वहादरी का मजा गया बाहुदा हाजरी का मजा गया मुस्तफ़ा से लगी का मजा वाँ। गया आश को आयशी का मजा गया मुस्तफा से लगी का मजा गया मुस्तफा से लगी का मजा गया सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह इस्लाम जमीर कादी साहब खूबसूरत अंदाज में हदयनाथ पेश कर रहे थे यकीनन अहमद अली हकम साहब के जो कलाम है और उनमें जो ख़ूबसूरती है यकीन तारीफ़ के काबिल है और उनका एक से एक कलाम माशाल्लाह से जब भी वो लिखने का उनका अंदाज और फिर माशाल्लाह से वो खुद एक बहुत अच्छे नात खान भी हैं और फिर उनका पढ़ने का एक बहुत अच्छा अंदाज़ अलहमदिल्ला ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत खुश और खुशखी है अलहमदिल्ला हमारे पाकिस्तान में जितने नात खान हजरात राम, शाय पूरी दुनिया से पाकिस्तान से पूरी दुनिया में जातेफा से लगी का मजा तो आना है ना। बात बात ना। हैं। ना। हैं। से वफा तो हम तेरे ते हैं जहाँ क्या चीज है कोई शक नहीं तो ये ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है की हर फील्ड में अलहदा ने पाकिस्तान को एक इज्जत बख्शी और इस फील्ड में सबसे आगे बढ़कर है हम बेश हमारा ये यकीन करें कि मैं इस बात बड़ा खुश होता हूँ के पूरे पाकिस्तान से हमारे नाथान अलहमदिल्ला पूरी दुनिया में जाके पेश करने की यहाँ पर वक्त हुआ एक मुख्तर वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं रमजान मुबारक की खूबसूरत नशियात राहत रमजान की इफ्तार ट्रांसमिशन हमारे साथ आज शशी फरमा है सैद हारिस अहमद जिनके ताल्लुल पिंडित से हैं अल्लाह ताला ने बेपनाज़त तो से नवाजा और दीगर महाफिल्स में और स्टेज की रौनक होते हैं मैं इनको दावत देता हूँ और दैन पेश करने की पी एन एन न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि इस नशरियात में उन्होंने फरमायाबला मुफ्ती साहब बदर के हवाले से गुफ्तु फरमा रहे थे जानसारा ने मुस्तफा अलेहिस्त्तु अलेहिस्त्तु उनसे उनको सलाम पेश करते हुए कलाम पेश करूँगा मोहब्बत के साथ समात फरमाइए क्यूँ कर नो रही फ रसूल की क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की उल्फत रसूल की जन्नत में लेके जाएगी जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की जन्नत मिले ले के जाएगी चाहत रसूल, रसूल की बिगड़ी भी, भी बनाएंगे जल वे भी दिखाएंगे घबराओ नदी दीवानों सरकार बुलाएंगे हमें सरकार बुलाएंगे हमें सरकार बुलाएंगे हमें सरकार बुलाएंगे चलता मैं भी काफिले वालों रुको जरा ला 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 ला। चलता हूँ मैं भी काफिले वालो रुको जरा मिलने दो बस मुझे भी मिलने दो बस मुझे भी इजाजत रसूल की मिलने दो बस मुझे भी इज़्ज़त रसूल की कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं गर फ़रिश्ते भी उठा क्या बात है बहुत खूबसूरत अंदाज़ में जनाब सुभान अल्लाह सब प्लान पाक पेश कर रहे थे अल्लाह पाक हम सबको मदीना शरीफ की हासिल नसीब फरमाए माशा अल्लाह भाई रोज़ा एक ढाल है जो जहन की आग से हमें बचाता है जैसे एक ढाल से बचाती है तो अगर हम बगैर किसी के, शरी के रोजा नहीं रखते तो मुफ्ती साहब से मैं पूछना चाहूंगा तो क्या, क्या कफारा होगा क्या उसकी क्या उसकी सजा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं आज कल के दौर में भी मतलब इतना अलहदिल्ला इतना नॉलेज रखने के बावजूद भी रमजान मुबारक में लोग रोजे के मामले में बहुत सुस्ती का मुजाहरा करते हैं इस बारे में इस हवाले से आप क्या रोशनी डालेंगे कि रमजान मुबारक है और आ, हमें जितना जोक शोक से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इबादत करनी चाहिए उतना हम मतलब बस काफ़ी बहुत सी फील्ड में लोग सुस्ती का मुजाह करते हैं रोजे नहीं रखते हैं जी जैसे आपने रशात फरमाया है कि लोग सुस्ती करते हैं तो इस हवाले से ये जेन में बात रखें कि रोज़े जो हैं ये अल्लाह ने फ़र्ज किए हैं और जो फ़र्ज़ का इनकार करे सिरे से, से ना माने वो दायरा इस्लाम से खारिज है और जो शख्स वैसे रोज़ा नहीं रखता तो वो गुनहगार है और ज़िंदगी में वो तोबा करे और अगर तोबा नहीं करता तो वो जहन्नम में जाएगा और जहन्नम में ले जाने वाले ये काम हैं तो फिर अल्लाह ने सूरह बकरा में ये इरशाद फरमा दिया है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे तो फिर उसमें कंडीशन भी इरशाद फरमाई है कि अगर कोई शख्स बीमार है सफ़र पर है तो उसे फिर इसमें मोहलत दी जाती है तो अब एक बंदा वो जानने बुझने के बावजूद सेहतमंद भी है सब कुछ होने के बावजूद वो रोज़ा नहीं रखता तो उस सूरत में आ, अगर उसके दिल में कोई खौफ खदा है तो फिर वो इस जाने आता है कि मैं कफ़ारा अदा करूँ तो ये जो कफ़ारा है ये इसलिए होता है ताकि जो बंदे ने गलती की है और वो गलती से बाज आ जाए आ और बतौर सजा उसी दुनिया में ये है अगर वो ये कफारा अदा कर लेगा तो आखिरत में उसका ये गुनाह माफ़ होगा वरना उसका ये गुनाह माफ़ नहीं होगा तो कुफारे के लिए ये है कि जिस बंदे ने जानबूझ कर रोज़ा तोड़ दिया या छोड़ दिया तो वो फिर रोज़े का कफारा देगा और रोज़े का गफारा ये है कि एक ग़ुलाम या एक बांदी को ज़ाद करना अब दौरे हाज़रा में गुलाम और बंदी का सिलसिला जो है ये नहीं है और ये भी इस्लाम का एक कमाल देखें आप कि हर दौर में लोगों को गुलाम बनाया जाता था और इस्लाम ने आकर इस कंसेप्ट को ख़त्म किया है स्वान अला। स्वान अला। अब लोग कहते हैं ना जी ये नबी सात उसम अगर ख़त्म करते तो ये कुफारे में क्या होता तो कुफारे की शुरूती इसलिए बनी है कि जब गुलाम आज़ाद होते जाएंगे लोग आज़ाद करते जाएंगे तो कोई ग़ुलाम नहीं रहेगा तो फिर फरमाया कि अगर ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकता उसके पास इतनी ताकत नहीं, नहीं, है, नहीं है तो फिर यह है कि वो लगातार साठ दिन के रोजे रखे दिन के और उसमें लाजमी यह है और ज़रूरी यह है कि वो लगातार रोजे रखे ऐसा नहीं है कि एक बीच में रोजा छोड़ दे अगर उसने फिफ्टी नाइन रोज़े रख लिए हैं एक, एक रोज़ा छोड़ दिया है तो फिर वो दोबारा नये नये रोजे रखे लो मतलब रमजानी के रोजे की वैल्यू जो वैल्यू इतनी है, है। पाक में आता है कि एक रोजे की सिर्फ कजा अगर पूरे साल के रोजे रखे जाए तो वो पूरा नहीं होता तो साहब यहाँ पर एक और मुझे सवाल जेन में आ रहा है जो आप जैसे का बयान कर रहे हैं कि मतलब कफारा अदा करें और जो कफारा भी अदा नहीं करता उसके लिए क्या सजा है उसके लिए मतलब ये क्या मामला हैं पहले ये मैं कफारे का मुकम्मल कर लेता हूँ आपको बताता हूँ तो ये साठ रोजे रखेगा अगर ये नहीं रख सकता तो फिर ये है कि वो साठ मसाकिन को दो टाइम का वो खाना मुहैया करेगा और मसकिन होना इसमें लाजमी, लाजमी और ज़रूरी है अगर ये नहीं करेगा तो वो शख्स गुनागार है और ये जहन्नम में जाने वाले इसबाब हैं और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि फर्ज का इनकार करने वाला वो काफर है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है जो फर्ज का इनकार कर देता है और जो शख्स फर्ज को छोड़ दे तो वो शख्स गुनागार है और वो ये जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं नबी सात उसम के जिससे मार्का है कि जब रमज़ान शरीफ की पहली रात आती है तो अल्लाह ताली अपनी शान के मुताबिक कुदरत के मुताबिक आसमान अवल पर जल वगर होता है और फिर अरसा है कोई है बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे, उसे बदल दूँ कोई है अपने गाहों की माफ़ी मांगने वाला कि उसे मैं माफ़ कर दूँ कोई है रिज्क मांगने वाला कि मैं उसके रिज में इजाफा कर दूँ और माया कि रमज़ान मारक का पाकिजा माय मुकदस तो पा कर भी जो मरूम रहा फरमाया वो बद वक्त है बदबख्त और फिर ये, ये, ये मशोवरदीसा है कि नबी अलह सात उसमें पे जलवागार होने लगे तो जब आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन दूसरी पे रखा तो आमीन तीसरी पे आमीन शहबाज करते हैं आका ये आज आपने मामूल से हट कर यह अमल फरमाया है तो नबी अलह साद्लाम ने फरमाया कि मेरे प्यारे साहबा सुन लें जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा जब्राइल आए जबराइल ने आकर अर्ज किया आका जो शख्स रमजान मुबारक का बबरकत माया मुकदस पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके फरमाया वो बदबक है तो मैंने कहा आमीन अब देखें कि दवा करने वाला कौन है जबराल और अमीन कहने वाले कौन है नबी सात उसम तो फरमाया कि रमजान मुबारक का ये पाकिजा बबरकत माए मुकदस पा कर भी जो मरूम रहा वो बदबकत है फिर आगे फरमाया कि अपने वालदेन में से किसी एक को भी दो मिल जाए और ये तो बड़ा अल्लाह का फजल है और अल्लाह अल्लाह ने उस पर कर्म किया है फरमाया अगर एक भी वालदेन में।, में।, में से बंदा पाले और उनकी खिदमत करके वो जन्नत असल ना करे फरमाया वो भी बदबक्त है और जो कमाल की बात है और ये इसको ताज़ा करने वाली बात है और इससे जो उशाक हैं उनके दिल खुश हो जाते हैं और नबी सलाम से जो मोहब्बत का एक सिला है वो भी मिलता है और हजरत इमाम बुहारी रिमा मुस्लिम की है आपने आपने बंदा मोमिन उस वक्त बनता है जब वो अपनी उलाद से बढ़ के माल से बढ़ के सब लोगों से सब चीज़ों से बढ़ के से से मोहब्बत करता है तो आखिरी जो बात आपने, आपने जो मेरा जबरील ने अर्ज किया आका जो आपका नाम नामी इसमें ग्रामी सुने आ, और आप आ, पर दरूद न पड़े फरमाया वो बात वक्त है अल्लाह की बरगाह में दुआ ये करें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत मोहब्बत ये होती है कि एक तो जो आपने अर्शाद फरमाया उस पर अमल किया जाए जो आपकी सीरत है जो किरदार है उसको जिंदगी में डाल लेने का नाम है।, है कि बंदा नबी सा उसका दिल ये चाहता है कि जो मेरे महबूब की चाहत है वो मेरी भी चाहत बने जो मेरे महबूब पसंद फरमाते थे वो मैं पसंद कर लूरत खूबसूरत में हमारी रहनमा रहे थे और यकीन मुबारक की खूबसूरत घड़ियों के बारे में जिक्र हो रहा था अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने जितने गलतियाँ अल्लाह ताला हमें माफी अता फरमाए और जितने रोजे रह गए हमें और अकीदत मोहब्बत से रखने की तोफ़ी अब हमें दावा देता हूँ मोहम्मद बखार अतारी साहब को कि वह आए अपने खूबसूरत अंदाज़ में अदी अनाज पेश करने की रसूल्ला वसलमली का हमी मेरे आका दग ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਜਗ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ पका जग उते जोड़ नई सोने जग ते आए हज़ारा पर सरकार तूं थले सुछान था। सुछान था। पर सरकार तूं थले सुछान था। सुछान था। था। सोने जगते आए हजारा लो लो पर, लो लो, पर, सरकार तो थले पर सरकार तो थे पर सरकार थले। तो थे आप देसन दी दुनिया उते हो गई बल्ले बल्ले ਆਕਾ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨਦ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨਦ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਜਗ ਉਤੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਦਸਰ ਭਾਈ ਮੁਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਗਰਨ ਤਵੱਜਹ ਸੇ ਸਮਾਤ ਕਰੀਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਗ ਦਾ ਮਨ ਕਰ ਜੇੜਾ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਵੰਜਿਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਮਨ ਗਰਜੇੜਾ ਉਹ ਦੀ ਗਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਦੀ ਗਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਰੋਂਦਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾਈ ਸੁਣੀ ਗੁੱਡੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਚੜਨੀ ਜਿਦੀ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਜਿਦੀ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ रे आका दजग उ जोड़ नहीं और हजरत आदम हजरत ईसा हजरत यूसुफ मिसरी हज़रत यू सुफ़ मिसरी हज़रत आदम हज़रतीसा हज़रत यो सुफ़ मिसरी हज़रत यू ਆਪ ਦਸਦ ਕਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲ ਸਬਨਾ ਦੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਈਓ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਈਓ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ मेरे आका जिया कोई होर नहीं होर नहीं मेरे आका द जग मुत्ते जो नला क्या है क्या सुभान अल्लाह मोहम्मद वकारतारी खूबसूरत नाज़ में नात पेश करने के साथ हासिल कर रहे थे और मुfti साहब हजूर की नात है जो मतलब जिस लैंग्वेज में भी हो उर्दू में सुने तब मज़ा आता है और पंजाबी में सुने तब मजा आता है और सराकी में सुने तब मजा आता है और, में आता है, और पश्तों में सुने तब मज़ा आता है क्योंकि मतलब जिक्र ही ऐसा है तो ज़ुबान चाहे कोई भी हो तो अलहमदिल्ला लुस्फानदोज़ होते हैं बहुत मजा आता है किसी भी जबान में भी अलमदिल्ला जिक्र रसूल पाका हो यहाँ पर वक्त हुआ है मुख्तर सी ब्रेक का आप देख रहे हैं रमज़ान बबारे की खूबसूरत नशियात राहत रमज़ान हमारे साथ वेलकम बैक दी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहने का शुक्रिया आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खूबसूरत नशियात रमजान के इफ्तार ट्रांसमिशन और इसके साथ आपकी बेपना मोहब्बतों का शुक्रिया आप लोग कमेंट्स में और जब मुलाकात होती है और जब भी आप एक अच्छा आ, हमें रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी तरफ से इस चीज़ का भी आपका बहुत शुक्रिया और कमेंट्स में आप हमारी असलाह करते हैं हमारी जो गलतियाँ होती है इसकी भी आप असलाह करते हैं इसके लिए भी आप तमाम दोस्त आप देखने वालों का नाजरीन का बहुत शुक्रिया मैं दावत देता हूँ जनाब आ, कारी इस्लाम आ, कारी इस्लाम जमीर कादरी साहब को के वो आए और अपने खूबसूरत अंदाज में हदयनाथ पेश करें और उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि माँ की शान में कुछ आप, अगर आप कुछ आ, पेश करें तो आपका बहुत शुक्रिया जनाब इस्लाम जमीर कादरी साहब hmm, जो भी मो जगे मिले आ,

ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਂਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ੇkere ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ याद शिकर दोपहर जदूं याद मां दोपहर जूं यादमां सिकर दोपहर जदू याद मां लॻंदी ठंडिय نال नाल

भाई बाप वो वो अजीम है। वो अजीम है, जिसका हम जितना भी अजाला करें ensejle. जितनी भी ताला हम सब को देखने वाले भाई भी गुजारिश है आप सब भाईयों से हम मेरी भी, भी गुजारिश अल्लाह से करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब सबको अपनी माँ बाप की खिदमत इज्जत और मोहब्बत करने की तफ़ी आप मेरे साथ मिलके पढ़ें

ਮਾ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਤੇ ਜੱਡੂ ਕਾ ਢੂਰ ਨਾ ਮਾ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਹਤੇ ਜੱਦੂ ਕਾ ਢੂਰ ਰੇ ਨਾ ਲਗਦਾ ਏ

ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਪ ਮਰੇ ਲਲ ਲਲ ਸਰਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰ ਮਰੇ ਕੰਡੇ ਹਾਜੀ ਮਾਮਰੇ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਢ ਹਾਲੀ

खिदमत करने की तोफी किताब फरमाए और हमारे वालदेन जो दुनिया से चले गए अल्लाह तक मखरू फरमाए और हमें रिश्ते की कदर करने की तोफी किताब फरमाए यकीन करें कि मैं आपको अपने दिल की बात कर रहा हूँ कि आज हमारे वालदेन नहीं है और हम आप मतलब उनको इतना मिस कर रहे हैं और इतना हमें याद आ रहे हैं जब हम घर में जाते हैं तो हमें वह नजर नहीं आते उनकी आवाज़ नहीं आती उनके मकसद फरमाए और जिनके वाले हैं उनका है तो मैं जनाब सै धारी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो अपनी आखिरी हाजिरी पेश करें और चंद अशार नाथ शरीफ के पेश करवाएतार yes. का वक्त करीब है और कबूलियत की घड़ियाँ हैं आइए इस कबूलियत की घड़ी के मदीना तेबे की हाजिर क्या है मांगते हैं अल्लाह तबारक को हमें ये मौका फराम करे कि हम अगले साल जब आए तो हम मदीना शरीफ में इतियारियाँ करो मुझे शाह मदीने में बोला लो फिर مجھے اے ہے بہر و بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہِ بہر و بر مدینے میں रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने सुभाने बार। क्या बार। मदीने जाने वालो जाओ जाओ फी अमान अल्लाह मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान कभी तो अपना भी लग जाएगा बेस्त में कभी तो अपना भी लग जाएगा बेस्त मदीने में कहाँ की दौलत कहाँ कमर सब कसम खुदा की है ये हकीकत जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने आए, आए, आए। वही मदीने को जा रहे हैं है। बोला है। लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह बुला लो हम

फातिमा है दर मदीने में पेश रोशबर फातिमा है दर मदीने में, में वहाँ एक सांस मिल जाए यही है जी का हासिल वहाँ एक सांस मिल जाए यही है जी का हासिल वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में अब कहते हैं क्या हो गया हर वक्त मदीना मदीना करते हो मदीने की दुआ करते हो आखिर क्यों ना करें समात फरमाइए मेरे अल सुन्नत जो है वो मक्का में क्या अर्शात फरमाते हैं है। मदीना इसलिए आता जानो दिल से है प्यारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ना इस लिए आता जानो दिल से है के रहते हैं मेरे आका मेरे दिल बर मदीने में के रहते हैं मेरे आका में दिल भर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में अंदाज में आरिस भाई अपने हाजरी पेश कर रहे यकीन लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर जन्नत वाजिब होगी तो अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह तब को रमज़ान मुबारक में मदीना शरीफ देखने की हाजिरी नसीब फरमाए हमारी अल्लाह तब सबको अमल की तौफीक अता फरमाए नाजरीन वक्त इफ्तार का करीब है और हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब मैं एक बार फिर इतम अपने मेहमान ग्रामीण जो आज राहत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन के मेहमान बने सबका शुक्रिया अदा करता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद ऐब साहब और इनके साथ सैयद हारिस अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस्लाम जमीर काजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और जनाब वकार भाई हमारे साथ तजी फरमाते उनका भी बहुत शुक्रिया इन शाह जिंदगी रही मुलाकात होगी कल अपनी पूरी टीम इशफाक न्याजी प्रोड्यूसर की जानब से और अली मुगल और मैं हूँ मोहम्मद दानियाल नाजीन ग्रामी रमजान मुबारक हमशा अलविदा होने वाला है जितनी नेकिया बरकतें रहमतें मकफरत सकते हो समेट ले इसी दुआ के साथ अपने होस्ट मोहम्मद दानियाल को दीजिए इजाज़त वरमी